मथुरा शहर में उस वक्त लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा जब मथुरा वृंदावन मार्ग पर थाना गोविंद नगर के समीप एक बस रोड क्रॉस करते वक्त बीच में ही तकनीकी प्रॉब्लम आ जाने के कारण खराब हो गई, जिसके चलते दोनों तरफ का मार्ग बिल्कुल बंद हो गया और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। जाम तकरीबन 3 घंटे तक ऐसे ही लगा रहा। जब हमने जाम में फंसे लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यह जाम करीब 3 घंटे से लगा हुआ है, जिसका कारण यह बस है जो कि बीच में खराब हो गई। हम मथुरा से आ रहे थे, नई शहर के लिए जा रहे थे, होली गेट से आए थे। तो क्या वजह है, यहाँ कब से खड़े हुए हैं? यहाँ कम से कम 2 घंटे से या 1 घंटे से खड़े हुए हैं हम। क्यों क्यों खड़े हुए, क्या वजह है? जाम की वजह से। क्या समस्या है, क्या लड़के से लगाई? भगवान जाने के, हम तो आगे आके देखे, अभी तो गाड़ी पीछे खड़ी हुई है हमारी। क्या बताया जा रहा है जाम की स्थिति कारण क्या है? अभी मालूम नहीं है क्या जाम की स्थिति है, पर ये बस की वजह से ज्यादा दिक्कत आ रही है। करीब 3 घंटे हो चुके हैं इस जाम। 2-2.5 घंटे करीब हो गए, तब से कोई वाहन नहीं निकल पा रहा है। कहीं से निकल रहे हैं, हौले धीरे आप काफी ज्यादा फंस रहे हैं। कुछ अग्रसेन जयंती को निकल रही थी, जयंती वगैरह, उससे ज्यादा और ज्यादा दिक्कत आई थी। इसके कारण से आने जाने वाले राहगीरों एवं वाहन चालकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। करीब 3 घंटे के बाद उस बस को वहां से हटाया गया। इसके बाद जाम लगवाने के प्रयास किए गए। कब से लगभग ये बस यहां खड़ी हुई है? 1.5-2 घंटे हो गए। 1.5-2 घंटे हो गए, क्या वजह हुई ये जाम लगने की? खराब हो गई है बस। 1.5-2 घंटे से जाम लगा हुआ है, मतलब वाहन बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं निकल पा रहे। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसकी? ट्रैफिक की ट्रैफिक।